प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है। बहुत दूर कहीं एक बाग के करीब तीन दोस्त रहते थे। वो अक्सर बाग की बाड़ पर बैठे नज़र आते थे। बाड़ के साथ ही एक बड़ा तालाब था। जब सूरज की शुआएं दरख्तों के पत्तों और पानी पर चमक रही होती और तेज़ हवाएं चल रही होती तो कुछ दूर एक दरख्त पर रहने वाला उल्लू उड़कर बाग पर आ जाता और ज़ोर से आवाज़ निकालता। प्यारे बच्चों, उसी वक्त तालाब के पानी में लहरें पैदा होती और एक बड़ा सा सब्ज रंग का मेंढक अपना सर निकाल कर देखता। फिर वो भी तैरता हुआ पानी से बाहर निकल आता और फुदकता हुआ बाढ़ के पास आ जाता। अचानक कट कट की आवाज़ आती और एक मोटी सी काले परों वाली मुर्गी बाग के किसी कोने से नमूदार होती और उस महफल में शरीक हो जाती। तीनों इधर उधर की बातें करते और अपने अपने दिल का हाल सुनाते। प्यारे बच्चों, उल्लू को इंसानों से शिकायत ये थी कि वो उसे पसंद नहीं करते। मेंढक को तालाब के आलूदा होने वाले पानी का गम था और मुर्गी इस बात पर खफा थी कि फार्म का मालिक उसे अंडों पर बैठने क्यों नहीं देता। प्यारे बच्चों, एक दिन तीनों इसी तरह बातें कर रहे थे कि इनमें एक दिलचस्प बहस छिड़ गई। उल्लू और मेंढक का ख्याल था कि किसी भी इंसान के लिए अपने ख्यालात को बदलना बहुत मुश्किल काम है, जबकि मुर्गी का कहना था कि अगर कोशिश की जाए तो हालात बदल सकते हैं। प्यारे बच्चों, उल्लू ने मुर्गी को कायल करने की कोशिश की और बोला, चलो मैं तुमको एक नौजवान लड़के का किस्सा सुनाता हूँ। मुर्गी संभल कर बैठ गई। उल्लू कुछ सोचता रहा, फिर बोला, पहले मैं बहुत दूर एक आटा पीसने की चक्की में रहता था। उसका मालक एक जालिम आदमी था। वो अपने मुलाजमों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था। वहां एक नौजवान लड़का भी काम करता था। जालिम मालक उससे बहुत ज्यादा काम लेता था और बहुत कम तनख्वाह देता था। लड़का बेरोजगारी की वजह से मजबूर था। वो सारा दिन काम करता रहता, उसे सारा दिन सर खुजाने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी। लेकिन इतना काम करने के बावजूद मालक उससे खुश नहीं था। वो बात बात पर उसे डांटता और कभी कभार तो मारपीट भी करता था। एक दिन उसने लड़के को मार मार कर उसका मुंह सुजा दिया। प्यारे बच्चों, आखिर वो रोता हुआ वहां से चला गया और फिर कभी वहां नहीं आया। मेरा ख्याल है कि आज भी वो इसी तरह कहीं छोटा मोटा काम कर रहा होगा और जरूर मार खाता होगा। ये कहकर उल्लू खामोश हो गया। मुर्गी ने इनकार में गर्दन हिलाई और कहा, ये जरूरी नहीं कि वो आज भी बुरी हालत में हो, क्योंकि मैं जानती हूं कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। मेंढक ने कहा, मुर्गी बहन, मेरा ख्याल है कि हालात बदलना इतना आसान नहीं होता। खैर दोस्तों, मुझे भी एक वाकया याद आ रहा है। तुम्हें मालूम है कि मेरी दुनिया तो पानी तक महदूद है। मैं तालाब में वक्त गुजारता हूँ। मुझे इंसानों से ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता। मगर जब मैं बच्चा था तो अक्सर पानी से बाहर घूमता रहता था। एक दिन मैंने तालाब के किनारे एक नौजवान को आते देखा। वो बहुत दुबला पतला और कमजोर था। मैं उसे देखकर डर गया, लेकिन उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। वो पानी में डोरी डालकर एक टीले पर बैठ गया। सारा दिन वो शिकार के इंतजार में बैठा रहा, मगर उसके हाथ बस एक दो मछलियां ही आईं। फिर वो रोजाना वहां आने लगा। ऐसा लगता था कि वो बेरोजगार है और अपने हालात से परेशान है, इसलिए मछलियां शिकार करके अपना पेट पाल रहा है।
वो सारा दिन तालाब के किनारे गुजारता था, लेकिन उसे उस मेहनत का बहुत कम सिला मिलता था, क्योंकि पानी आलूदा होने की वजह से मछलियां कम हो गई थीं। एक दिन तो हद ही हो गई। वो बेचारा सारा दिन पानी में डोरी डालकर बैठा रहा, लेकिन एक भी मछली उसकी डोरी में नहीं फंसी। आखिरकार वो मायूसी से उठा और अथले पानी में छोटी मछलियां तलाश करने लगा। मैं वहीं तैर रहा था, उसने गलती से मुझे मछली समझकर पकड़ लिया। मुझे लगा कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन जब उसने मुझ पर गौर किया तो देखा तो फौरन छोड़ दिया और मायूसी से कदम उठाता वहां से चला गया। उस दिन के बाद वो फिर कभी वहां नहीं आया। मेरा ख्याल है कि वो लड़का आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा होगा। ये कहकर मेंढक खामोश हो गया। मुर्गी ने हैरत से उसे देखा और कहा, तुम दोनों अजीब बातें कर रहे हो। ये जरूरी तो नहीं कि अगर आगाज बुरा हो तो अंजाम भी खराब हो। सुनो, मैं भी तुम्हें एक नौजवान लड़के के बारे में बताती हूँ। मैं जिस फार्म में रहती थी वहां बहुत सारे मुर्गे मुर्गियां थीं। फार्म के मालक को उनकी देखभाल के लिए एक मुलाजम की जरूरत थी। एक दिन उसके पास एक लड़का आया, वो बहुत परेशान था और मुलाजमत तलाश कर रहा था। मालक ने उससे बात की और उसे मुलाजम रख लिया। लड़का मेहनत से काम करने लगा। वो ना काम चोरी करता और ना अंडे चुराता था। वो अपने काम से बहुत मुखलिस था। कुछ महीने ही गुजरे थे कि मालक ने उसकी मेहनत को देखते हुए उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। मालक ने उसके आने के बाद ये महसूस किया कि उसका फार्म तरक्की कर रहा है। इस बात को 2 साल हो गए हैं। आज वो नौजवान फार्म का मैनेजर बना हुआ है। मालक ने रहने के लिए उसे फार्म पर घर भी दे दिया है और लड़के ने अपनी माँ को भी अपने पास बुला लिया है। ये कहकर मुर्गी खामोश हो गई। वो तेजी से कुछ सोच रही थी, फिर बोली, अरे कहीं वो वही लड़का तो नहीं जिसका तुम दोनों ने जिक्र किया है। उल्लू बोला, नामुमकिन, वो कोई दूसरा लड़का होगा। बहुत मुश्किल है, वो तो ना जाने अब कहाँ होगा, मेंढक ने कहा। मुर्गी सोचते हुए बोली, मेरा दिल कह रहा है कि वो वही लड़का है। क्या तुम मुझे उसका खुलिया बता सकते हो? उल्लू ने कहा, वो दुबला पतला बिल्कुल कमजोर लड़का था। उसके गाल पर बड़ा सा काला निशान भी था। मेंढक ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें हैरत से खिलाते हुए कहा, मैंने जो तालाब के किनारे लड़का देखा था वो वही दुबला पतला था और उसके गाल पर भी वही काला निशान था। मुर्गी ने गर्दन हिलाते हुए कहा, चलो जरा मेरे साथ फार्म तक चलो। दोनों ने हैरत से उसे देखा और उसके साथ चल दिए। फार्म करीब ही था, वो जल्द वहां पहुंच गए। मुर्गी और मेंढक फाटक से अंदर दाखिल हुए और उल्लू दीवार पर चढ़ गया। मुर्गी ने उन दोनों की तवज्जो एक नौजवान की तरफ दिलवाई जो कुछ दूर बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। तीनों गौर से उसे देखने लगे। लड़का काम करके पलटा तो उन्होंने उसे देखा। वो वही मेहनती नौजवान था, उसके गाल पर वही निशान था और वो अब कुछ सेहतमंद भी हो गया था। मेंढक और उल्लू शर्मिंदगी से मुस्कुराए और मुर्गी की तरफ देखकर गर्दन हिलाई। दोनों ने अपनी गलती मान ली थी। वो जान गए थे कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। जो लोग मेहनत और साबित कदमी से काम करते रहते हैं उनके बुरे हालात भी एक दिन बदल जाते हैं और कामयाबी उनके कदम चूमती है।